और दोस्तों ये सामने कौन चौकीदारी कर रहा है? अभी तो मेरी तरफ ही आ रहा भाई, अबे जा यहाँ से, अबे जा। सो हेलो सर्वाइवर्स, कैसे हो आप सभी? और आप सबके लिए मैं एक और जबरदस्त वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त सर्वाइवल गेम को। और इस सर्वाइवल गेम में आपको ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली है जो आपको बाकी सर्वाइवल गेम में देखने को नहीं मिलती। सो गाइस, मैंने टॉप सर्वाइवल गेम्स के ऊपर दो वीडियो पहले से बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने काफी सारे सर्वाइवल गेम्स के बारे में बताया है। और उन्हीं वीडियो में मैंने इस गेम को पहले ऐड किया था और आप सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आया था। लेकिन फिर काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें ये गेम खेलना है, लेकिन उन्हें गेम को डाउनलोड और प्ले करने में दिक्कत आ रही है। सो गाइस, मैंने इस गेम को खुद कई बार खेला हुआ है और मैं काफी सारे सर्वाइवल गेम्स खेलता रहता हूं। सो मैंने सोचा आपके लिए इस पर एक अलग से रिव्यू वीडियो बना दूं, क्योंकि ये काफी बढ़िया सर्वाइवल गेम है। और आपके पास चाहे कोई भी डिवाइस हो, 4GB रैम का, 3GB, 2GB या फिर 1GB रैम, सभी डिवाइस में ये गेम वर्क करेगा। कैसे, उसके लिए वीडियो का एंड तक पूरा देखना और साथ ही गेम को डाउनलोड करने का सबसे इजीएस्ट तरीका भी बताऊंगा। सो आप बस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यकीन मानिए गाइस, ये गेम आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और अगर बिना किसी प्रॉब्लम के गेम को प्ले करना चाहते हो तो वीडियो का एंड तक पूरा देखना, वरना फिर आप कमेंट करते हो कि गेम को प्ले करने में दिक्कत आ रही है, तो इसलिए पहली बार में ही पूरा देख लिया करो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गेम को डाउनलोड करने का तरीका ही बता देता हूँ। सो अगर आपके मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन 10 से ऊपर है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है या फिर प्ले स्टोर पर गेम का नाम सर्च कर लेना है और वहाँ से गेम डाउनलोड हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन 10 से ऊपर है तो आप इस गेम को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन 10 से नीचे है तो आपको टैप टैप स्टोर डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक भी मैं दे दूंगा। सो फिर उसमें आपको गेम का नाम सर्च करना है और फिर आप वहाँ से भी गेम को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो मैंने गेम को डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लिया है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेम का नाम लिखा हुआ आ गया है। सो देखते हैं गेम आगे चलेगा भी या फिर नहीं। और यहाँ पर स्टार्ट गेम का बटन भी आ गया है, जिसमें मैं टर्म्स एंड कंडीशन पर चेक लगाकर स्टार्ट गेम पर क्लिक कर देता हूँ। सो अब यहाँ पर कुछ एडिशनल डेटा डाउनलोड होने लग गया है, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 260 MB का है। सो गाइस, जब आप गेम को डाउनलोड करोगे तो 184 MB का गेम डाउनलोड होगा, उसके बाद यहाँ पर एडिशनल 260 MB का डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि टोटल लगभग 400-500 MB का गेम का डाटा डाउनलोड करना पड़ेगा। गाइस, इस गेम का साइज फिर भी बहुत कम है, क्योंकि मोस्टली सर्वाइवल गेम का डाउनलोडिंग साइज 1GB से ऊपर ही होता है, लेकिन इसका साइज सिर्फ अप्रोक्स 500 MB है। और गेम के ग्राफिक्स भी काफी जबरदस्त है और बहुत ही अच्छी अच्छी लोकेशन के साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें भी देखने को मिलेंगी, जो आपको बाकी सर्वाइवल गेम में देखने को नहीं मिलती, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। सो फाइनली यहाँ पर प्ले बटन भी आ गया है। सो आप जल्दी से प्ले पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं आगे क्या देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ी लोडिंग हो रही है और गाइस, गेम का फर्स्ट इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है, जिसमें हमें प्लेयर को कस्टमाइज करने के लिए काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 3 अलग अलग फेस टाइप्स मिलते हैं। सो मुझे सेकंड वाला ज्यादा सही लग रहा है। फिर आपको काफी सारे स्किन टोन्स देखने को मिल जाते हैं, सो आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। देन यहाँ पर ज्यादा नहीं पर काफी सारे और अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स हैं, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के हेयर स्टाइल्स दिए हुए हैं, तो ये वाला ठीक ठाक लग रहा है, तो इसे ही चूज कर लेते हैं। देन यहाँ से हेयर कलर चेंज कर सकते हैं, तो मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्लेयर जेंडर चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो इसे भी ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक नेम डालना होगा, सो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, रोहित GS, एंड कन्फर्म। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये वाला नेम अवेलेबल नहीं है, सो मैं नेम थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ पर अंडरस्कोर ऐड करके देखते हैं, एंड कन्फर्म। सो गाइस, नेम भी ऐड हो गया है और प्लेयर भी कस्टमाइज हो गया है, एंड अब मैं कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी लोडिंग हो रही है। सो हमारा गेम यहाँ पर बिल्कुल स्मूथनेस के साथ स्टार्ट हो गया है। और गाइस, क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं। सो जब आप गेम को प्ले करोगे तो आपको गेम में बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, अगर आपके डिवाइस में कम से कम 4GB रैम है। अगर उससे कम है तो उसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी है वो मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार ग्राफिक्स देख लीजिए। दोस्तों, क्या जबरदस्त तरह के ग्राफिक्स है गाइस। ऐसे ग्राफिक्स आपको लाइफ आफ्टर जैसे गेम में देखने को मिलते हैं, जिसका डाउनलोडिंग साइज ही 2-3 GB है और उसे प्ले करने के लिए भी आपको 4GB रैम से ऊपर ही चाहिए, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सेम चीज मैं आपके लिए 500 MB में लेकर आया हूँ। और यहाँ पर मुझे एक वॉल दिखी है, और क्या मैं इसके पार जा सकता हूँ? छोड़िए गाइस, इसे फिर कभी ट्राई करेंगे। और गाइस, इसमें आपको लाइफ आफ्टर के जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशंस या टास्क भी मिलते हैं, जो कि अभी आपको आगे दिख जाएंगे। और इस गेम में लॉबी में एंटर करने का तरीका भी बिल्कुल यूनिक है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और जहां तक मुझे याद है, इस ब्लू दीवार को पार करके हम लॉबी में पहुंच जाते हैं।
सो ओके गाइस, जैसा कि मैंने बताया था उस ब्रूज वायर को पार करने पर हम गेम की मेन लॉबी में आ गए हैं और यहाँ पर हमें गेम का पूरा मैप देखने को मिल जाता है जो कि काफी बड़ा है और काफी बड़े बड़े अलग अलग एरिया भी दिए हुए हैं और साइड में आपको काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। और गाइस मैं अभी यहीं पर आगे लो एंड डिवाइस में गेम को स्मूथ चलाने के लिए सेटिंग्स बताने वाला हूं, सो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। सो फर्स्ट यहां पर कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सो अगर आपको प्लेयर की कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही तो आप यहां से उसको चेंज भी कर सकते हो। फिर आपको सोशल का ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपने फ्रेंड को भी ऐड करके उसके साथ मल्टीप्लेयर में भी गेम को प्ले कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड की आईडी डालकर सबमिट कर देना है बस। देन आपको इन्वेंटरी मिल जाती है जिसमें आपके प्लेयर के पास क्या क्या सामान है वो चेक कर सकते हो। देन आपको शॉप का ऑप्शन मिल जाता है, सो अगर आपको चीजें कलेक्ट या क्राफ्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप अपने पैसों को खराब करके मेरा मतलब कि आप पैसों से चीजें परचेज कर सकते हो, लेकिन भैया सर्वाइवल गेम को प्ले करने का ज्यादा मजा तो चीजों को खुद क्राफ्ट करने में ही आता है। सो लास्ट में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, सो यहाँ से आप गेम में लॉगिन कर सकते हो ताकि आपका डेटा सेव रहे। मैं भी गेस्ट अकाउंट में गेम को प्ले कर रहा हूँ। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है तो आपको क्या करना है। सो यहाँ पर आप ग्राफिक्स के ऑप्शन देख सकते हो कि अगर आपका एक लो एंड डिवाइस है तो आप क्वालिटी और रेजोल्यूशन की सेटिंग्स को मीडियम से नीचे ही रखिएगा, उससे आपका गेम काफी स्मूथ चलेगा। बाकी अगर आपके पास एक अच्छा खासा डिवाइस है तो आप फुल रेजोल्यूशन पे भी गेम को प्ले कर सकते हो। और फिर आपको यहाँ पर सेंसिटिविटी कम या ज्यादा करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। और एक चीज की कमी रह गई कि गेम वालों ने कंट्रोल्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन वैसे कंट्रोल्स पहले से ही काफी ऑप्टिमाइज मिल जाते हैं। और गाइस अगर आप अपने लो एंड डिवाइस में भी इस गेम या फिर कोई भी गेम को हाई ग्राफिक्स पर प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया है कि आप अपने मोबाइल की रैम को कैसे बढ़ा सकते हो जिससे आप कोई भी गेम को हाई ग्राफिक्स पर खेल सकते हो, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। सो एक बार फिर से हम अपने प्लेयर बेस में आ गए हैं और हमारा प्लेयर भी काफी जबरदस्त लग रहा है। सो स्टार्टिंग में हमें कोई भी चीज या कोई वेपन नहीं मिलता है, हमारे पास सिर्फ एक नुकीला पत्थर होता है जिससे हम चीजों को तोड़ या फिर काट सकते हैं। सो अभी हम काट के देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेरीज इकट्ठा करनी है, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है पिक अप बेरीज, जो शायद हमें आगे की तरफ मिलने वाली है। सो चलकर देखते हैं। सो यहाँ से मैंने बेरीज भी उठा ली है जिसे मैं शायद खा भी सकता हूँ। सो ओके गाइस, जैसा कि आपने देखा हो कि बेरीज को खाते ही मेरी थोड़ी सी हेल्थ बढ़ गई है और हेल्थ भी आपको तीन अलग तरह की देखने को मिलती है, HP, भूख और प्यास की हेल्थ, मतलब कि हमें टाइम टू टाइम खाना भी खाना होगा और पानी भी पीना है। और दोस्तों ये सामने कौन चौकीदारी कर रहा है? अबे तो मेरी तरफ ही आ रहा भाई, और लग भी बहुत खतरनाक रहा है। अबे जा यहां से, अबे जा, ले पत्थर का, ये तो पत्थर से टपक गया। चलो इसे चेक करते हैं, शायद इसके पास कुछ अच्छा सा कोई वेपन ही मिल जाए। ये लो, ये तो रस्सी लेके घूम रहा है, चलो फिर भी रख ही लेते हैं। सो गाइस अभी हमें गेम को प्ले करने का ट्यूटोरियल दे रहे हैं कि किस चीज को कैसे क्राफ्ट करना है। सो इस गेम में आप बैंडेज से लेके बंदूक तक बना सकते हो। सो हमारी HP थोड़ी सी कम हो गई है जिसे ठीक करने के लिए हमें बैंडेजेस बनानी होगी। सो मैं यहाँ से थोड़ा सा फाइबर कलेक्ट कर लेता हूँ जिससे हमें क्लोथ बनाना है और क्लोथ से बनेगी बैंडेजेस। सो इस फाइबर से मैं कुछ क्लोथ बना लेता हूँ। सो तीन फाइबर से एक क्लोथ बनता है, सो बैंडेजेस बनाने के लिए अभी हमें और क्लोथ बनाना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर मैंने और क्लोथ बना लिया है, सो अब मैं इससे बैंडेजेस बना लेता हूँ और साथ ही यूज भी कर लेते हैं। सो अब हम बनाने वाले हैं अपना एक पहला हथियार, मतलब कि अब हम बनाने वाले हैं एक कुल्हाड़ी, जिसके लिए हमें चाहिए होगी वुड और स्टोन। वुड तो हमें पेड़ को काटने से मिल जाएगी, सो यहाँ से हम कुछ पेड़ काट लेते हैं। और गाइस इस गेम में आपको माइनक्राफ्ट की तरह चीजें खुद क्राफ्ट करनी होती है, अपना घर बनाना होता है और आपको दूसरी जगह पर भी जाना होगा जहाँ पर आपको काफी सारी काम की चीजें भी मिल जाती है, लेकिन काम की चीजों के साथ में आपको ज़ॉम्बीज भी मिलने वाले हैं। सो आगे चलकर तो ये गेम और भी मजेदार हो जाता है। सो मुझे काफी सारी वुड मिल गई है और शायद आपने पेड़ काटने का एनिमेशन पर ध्यान नहीं दिया जो कि काफी जबरदस्त लग रहा है। सो अब कुछ स्टोन कलेक्ट करने हैं। सो गाइस यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ी चट्टान दिखी है जिसे तोड़कर हम पत्थर कलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस आप एक बार ये देखिए, चट्टान टूटती हुई कितनी जबरदस्त लग रही है। सो मैंने वुड और स्टोन दोनों कलेक्ट कर लिए हैं। सो अब जल्दी से कुल्हाड़ी बना लेते हैं। सो ये रही हमारी कुल्हाड़ी और यहाँ क्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। सो ओके गाइस, हमारा फर्स्ट वेपन यानी कुल्हाड़ी तैयार है। सो इससे पेड़ काट के देखते हैं कि पेड़ कितनी जल्दी कटता है। मेरे सामने पर ही एक पेड़ है। सो गाइस वैसे पेड़ काटना गलत बात है, लेकिन हमें गेम में सर्वाइव करना है इसलिए हम यहाँ पेड़ काट सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि कुल्हाड़ी से पेड़ कितनी जल्दी कट गया और हमें काफी सारी वुड भी मिल गई है जिससे हम और जबरदस्त वेपन बना सकते हैं। और गाइस इसके बाद आपको अपना एक घर भी बनाना है और दूसरी जगह पर जाकर चीजें इकट्ठा करनी होगी और आपको सामना करना होगा और भी खतरनाक ज़ॉम्बीज के झुंड, जानवर और बड़े वाले ज़ॉम्बीज से भी। सो गाइस इस गेम में आपको आगे और भी जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली हैं। सो अगर एक लाइन में कहूँ तो ये काफी बढ़िया सर्वाइवल गेम है और आई होप
होप आपको भी ये गेम और वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।